हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारा भी टाइम ना 10 बज गया है। आज है थर्ड सैटरडे, तो आज है बच्चों की छुट्टी। ये देखो पढ़ाई करने बैठी हुई है, यहाँ लेटी हुई है यहाँ पे, और आर अब बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है। उनका है अभी मैथ का पेपर, और आज इसके कपड़े चेंज हुए हैं डॉल के, और ये चोट बाल भी, हेयर स्टाइल भी चेंज हो गए हैं। सुंदर मल्टी कलर का रबर बैंड भी बना रखा है। ये देखो क्रॉप टॉप पहना है उसने, हाय राम। और एक साइड देखो दोस्तों, ये कितना पतला है स्लिप, और एक साइड ये है मोटा सा। मुझे लग रहा है आने ना फैशन डिजाइनर बनेगी या फिर मेहंदी लगाने वाली है ना। ये बटन भी बना हुआ है, गजब। ये देखो मल्टी कलर का रबर बैंड भी है। मैंने कुछ कलर ना मिक्स कर लिया, और ऐसे मैं कुछ क्ले बना दिया, और वही वाला। कल तो आने ने इसको एक लॉन्ग कुर्ता पहनाया था और पैंट, अच्छा वो भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और जूड़ा बना रखा था कल, और आज ऐसे बाल बना रखे हैं क्ले से। बाकी हम तीनों का नहाना धोना नाश्ता पानी हो गया है, कपड़े भी धुल दिए मैंने, और झाड़ू भी कर दिया, पोछा करना बाकी है। और आज कोई आने वाला है हमारे घर पे, तो मैं ना उनके लिए कर ली हूँ लंच की तैयारी। टाइम भी 10 बज गया ना, 12 बजे तक शायद से पहुँच जाएंगे, तो मिलाती हूँ फिर मैं आप लोगों को उनसे। और क्या नाम है, गर्मी भी हो ही रही है, क्योंकि काफ़ी संडे से अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो गर्मी हो रही है भयंकर वाली। और अभी बच्चों के दो पेपर बाकी हैं, है ना। आने का दोनों के मैथ है, और आरब का संस्कृत है। और आने का क्या होगा, आने तेरा लास्ट पेपर किस चीज़ का है? कंप्यूटर। आने का लास्ट पेपर है कंप्यूटर का, और यहाँ पे आरब देख रहा है मुझे। पढ़ ले पढ़ ले। देखे दे रहा फोटो खींचो लो नखरा तेरा, देखे दे रहा फोटो खींचो लो नखरा तेरा। बस बस बस, आपको पढ़ाई पे बिठाया था मम्मी ने, टाइम पास कर रही हो यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं? मैं ये तो गया। लाओ मैं बना देती हूँ। अरे मैं बना देती हूँ। देखो दोस्तों कैसे टाइम पास कर रही है ये। अब अभी मैथ और कंप्यूटर का पेपर बाकी है उसका। कंप्यूटर कंप्यूटर ही तो बोलती हो आप, क्या बोलती हो? कंप्यूटर कंप्यूटर टैलने वाले में कंप्यूटर 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 हाँ कंप्यूटर कर। तो चलो तैयारी करो उसकी। अरे कल में थोड़ी ना है, सारी पास से थोड़ी ना है। कल करे सो आज, कल आज करे सो अब। सुना नहीं है आपने? कल पे नहीं डालना चाहिए कुछ भी चीज़ बाबू। मम्मा आज हमको कंप्यूटर का लर्न करना है, कल हमको मैथ का लर्न करना है, मैं कर। तो करो ना फिर। और आप ये सोचोगे कि आज की भी छुट्टी है, कल की भी छुट्टी है, कल करूँगी, तो कल पे कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। कल पे नहीं डालनी चाहिए कोई भी चीज़। आज करे सो, कल कर सो।
समय आ गए। हाँ हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं आज। और मेहमान हमारे घर में पधार चुके हैं और अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। बस 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 अरे ये देख। और आने अपने हाथ दिखाना जरा, इधर सही से दिखाओ। इधर ये देखो आन्या ने अपने हाथों पे क्या कर रखा, क्या किया ये। अभी रुको, मैंने आपको पढ़ाई पे बिठा रखा था, मैंने आपको पढ़ाई पे बिठाया था, आपने यही काम किया था। कुछ कर रहा था मम्मी, मैं कुछ दिखाता हूँ। आपने तो बोला था कि 12:30 बजे आऊँगा। 12:30 बजे 12:30 1 बजे का हम लोगों ने क्या किया था ना, हम लोग गए थे छत में रील बनाने, रील बनाई नहीं वहाँ पे धूप में घूम घाम के और वापस आ गए और टाइम कब बीत गया पता भी नहीं चला। तो मैं अभी झट से खाना बना देती हूँ पहले। अच्छा दोस्तों मेरा खाना बन चुका है। यहाँ पे मैंने बनाई है पीली दाल और इसमें चावल अभी सीटी नहीं आई। और मैंने पीली दाल इसलिए बनाई ना क्योंकि पीली दाल के लिए मैं स्पेशली लाई थी ये वाला अचार। तो पीली दाल में ना हमें ये वाला अचार ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारे घर के मेहमान आ चुके हैं और खाना भी बन चुका है, बस वो नहा रहे हैं, उसके बाद करेंगे हम खाने की तैयारी। और उन्होंने ना कपड़े ला रखे हैं मेरे लिए इतना बड़ा डंप करके धोने के लिए, फिर देखती हूँ कल ही धोऊंगी कपड़े। अभी हमने जाना है आने के लिए यूनिफॉर्म लानी है, आने की यूनिफॉर्म की जो उसका स्पोर्ट्स वाली यूनिफॉर्म थी उसकी टी शर्ट हो गई है टाइट। तो बोला मम्मा मुझे टी शर्ट, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। अभी वैसे मैंने ये प्लान बनाया है अभी रावत जी क्या कहते हैं, तो अभी हम फिर यूनिफॉर्म लेने जाएंगे ऐसे मैंने सोचा है। और क्योंकि संडे को बंद रहता है और बाकी दिन रावत जी के पास टाइम होता नहीं है, तो आज टाइम है तो हम झट से जाएंगे, झट से आएंगे। अभी तो खाना खाने में टाइम लगेगा, फिर बर्तन धोंगे उसके बाद देखेंगे, फिर हो सकता है रावत जी फिर कंपनी भी जाएँ। चलो दोस्तों आप लोग बने रहना हमारे साथ में, हम थोड़ा भोजन पानी कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना खा लिया, खाना खा पी के आरब और आरब के पापा ना फ़ोन पे कर रहे हैं टाइम पास और आन्या यहाँ मेहंदी का डिज़ाइन बना रही है। अरे किले पे रहती है ना, वो डॉल के डेली के कपड़े चेंज करेगी और देखो सोफे की हालत, टेबल की हालत। तो अब ना मेरे हैं बर्तन धोने के लिए खूब सारे बर्तन, तो अब धोऊंगी मैं बर्तन, तो मिलती हूँ आप लोगों से बर्तन धोने के बाद। और मुझे लग रहा है ना हम शाम को ही जाएंगे यूनिफॉर्म लेने, अभी रावत जी शायद कंपनी जाने वाले हैं, बारिश नहीं होगी तो वैसे तो नहीं होगी। फ़ोन पे चला गया उधर। आरब ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, ऊपर लेट के फिर देखा था अपने पापा के उसने फ़ोन में कि पापा देख क्या रहे हैं ना। और आन्या ने ना इतनी प्यारी मेहंदी लगा दी है, बहुत सुंदर। तो मेरा बेटा आरब भी लगा सकता है ना, पर क्या करे उसको वीडियो गेम से फुर्सत नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। और ऐसे करके देखो, ऐसे करके अगर आनू मेरे पे भी मेहंदी लगाई ना तो ऐसे ही आन्या को पहले लेटने के लिए जगह चाहिए, है ना आनू। हाँ भैया तब मैं बैठ बैठ के लगा सकती हूँ। अगर कोई भी मेरी आन्या से मेहंदी लगवाना चाहता है तो पहले उसके लिए लेटने के लिए जगह देखें, है ना, जहाँ पे मेरी बच्ची ऐसी लेट पाए और फिर मेहंदी लगा पाए। हाँ देखो इन दोनों को, तो दोस्तों टाइम ना 4:45 हो गया है और रावत जी सो गए थे, तो क्या नाम है मैंने ना उनके जितने कपड़े थे वो सारे कपड़े धोए आज ही। और अभी मौसम भी ख़राब सा हो रहा है, बोला मैं ऑफिस भी नहीं जाऊँगा, तो मैं
तुरंत उनके लिए बनाती हूँ कॉफ़ी, और उसके बाद हम लोग जाएंगे आने के लिए यूनिफॉर्म लेने। वो तो लाना ही लाना है क्योंकि बच्ची का यूनिफॉर्म हो गया है टाइट, तो मैं तुरंत बना लेती हूँ कॉफ़ी और फिर हम जाएंगे आने के लिए यूनिफॉर्म लेने। सुनो जी, यूनिफॉर्म लेने चले ना। हाँ चलते हैं। चाय पानी लगेगा? चाय लग, चाय नहीं, कॉफ़ी बना रही हूँ। पानी है? आनू, पापा के लिए पानी लेके आना बेटा। उसका भाई पानी पानी आ रहा। आपके पास दो बोतलें पड़ी हुई हैं क्या? आपके पास वहाँ पे दो बोतल पड़ी हुई है ना, गिलास लेके आओ, पानी लेके आओ। आज मैंने ना सुबह भी मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं। चार पांच दिनों बाद अब बारिश देखने को मिल रही है हमें। मिट्टी की खुशबू आ रही है, सुंदर सुंदर सी है ना। और आपने देखो सैटरडे को बारिश होगी तो फिर मैं आने जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आने जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय कॉफ़ी बन गई है। आ जाओ बाबू, और बच्चों के लिए तो थोड़ा थोड़ा समय दूध लेके आई। वैसे बिस्तर में नहीं खाते हैं, नीचे बैठ सकते हो। अच्छा हॉल में आ जाओ फिर। तो मैं यहाँ पे ले आई, हॉल में खाना है बोला। बेचारा आराम बोला मैं बारिश में नहाऊंगा, बाहर गया, बाहर देखा उसने बारिश बंद हो गई, मायूस सा चेहरा। आ रहा मैं तो मेरा दिल टूट गया। आने बोली मेरा दिल टूट गया, मुझे भी बारिश में आना है। तैयार हो जा जल्दी से कपड़े लेके। कल ले लेंगे। कल नहीं बेटा, पर पापा के पास टाइम नहीं रहता, आज तो टाइम है। बाहर मौसम भी खराब हो रहा है, लेकिन हम झट से जाते हैं, झट से आ जाते हैं। आ रहे हैं घर पे और हमारे साथ जा रही है आना। हाय राम, मौसम देखो तो कितना भयंकर हो रखा है। ये देखो गिरने वाला है मौसम, आसमान नीचे, मौसम नहीं आसमान नीचे मैं ऊपर। कुछ आ रहा है कुकू डैडी उधर से, कुछ आ रहा है उधर से, देखो तुम वो काले बादल आ रहे हैं। क्या आ रहा है? हैं? कुछ नहीं, काले बादल। देख इधर से आ रहा है ना, आ रहा है। क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, काले बादल आ रहे हैं इसे। इधर तो देख रहे हो साफ लगा। रुक जाते हैं अभी थोड़ी देर, हैं? थोड़ी देर रुक जाते हैं भैया। बाजाओ बारिश होने। ये देखो बादल है यार। हाँ चलो इतनी देर में हम आ भी जाएंगे। वो तो बोलू बादल बादल है। ओहो आने कितनी खुश हो रखी। पापा आइसक्रीम खिलाओगे ना बोला? हाँ खिलाएंगे। हेलो पापा, पापा खिलाओगे ना आइसक्रीम? हाँ बोला पापा ने। हाँ बोला भाई। हाँ चलो पापा, चलो फिर चलो निकल पड़े हैं हम। काले काले बादल आ रहे हैं। चल चल पापा, चल ला पापा, चल ला पापा, चल ला। क्या कुछ नहीं, इधर को तो ऐसा लग रहा है जैसे बारिश भी हुई होगी। बारिश पहले हो गई यार। हैं? हाँ यार बारिश हो गई पहले। अभी भी देख मौसम ऐसा रखा, बस अभी आसमान खेलने वाला है नीचे तो। अरे गजब, इधर को ज़्यादा बारिश हुई। माय गॉड, देख के देख के देख के देख के देख के इंडिया इंडिया। सही में यार इधर ठंडा भी और खामा सब ठंडा भी है। ठंडा हम उधर की साइड ना, हमें इतनी गर्मी।
गर्मी हो रही है। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर, आने की यूनिफॉर्म लेके आ गए और साथ में आइसक्रीम लेके भी आ गए। और यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ बारिश हो रखी है भयंकर वाली और यहाँ ना कुछ भी नहीं है। अभी जब गए थे हम लोग उस समय बूंदाबांदी हो रही थी और उसके बाद फिर वो सूखा और फिर से दोबारा बूंदाबांदी हो रही है अभी भी। अच्छा वो हम चले गए, नहीं तो रावा जी बोल रहे थे कि नहीं बोला रुक के जाते हैं। आसमान ऐसी हमें डरा रहा था और फिर ना मैं डरा रही थी, आसमान हमें डरा रही थी। ये आसमान लेडीज़ है कि जेंट्स है? आप बोलो ना, डरा डरा रहा था। तो ना क्या नाम है, फिर मैं मक्की लेके आई हूँ 100 की 2.5 किलो। मैं मक्की बॉईल करूँगी तो पहले हम आइसक्रीम खा लेते हैं। गाड़ियों की भी इतनी आवाज़ आती है ना। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे कर देती हूँ एंड। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।